देखिए आज क्लास है बॉयज बॉयज दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव बॉयज और ये होता है पैसिव बॉयज। जब कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए तो वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपके जो भी सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, और जब वही कार्य कर्म द्वारा ऑब्जेक्ट द्वारा करता हुआ दिखाया जाए तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। देखिए बारह टेंसों में से आठ टेंसों पैसिव वॉइस बनता है। जो हमारे बारह टेंस होते हैं बारह टेंस में से केवल आठ टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। किसके किसके देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है उनके सेंटेंसों का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो लास्ट वाला होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाता है। आगे देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। किस पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, किस पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, यानी पास्ट का भी लास्ट वाला नहीं बनता है। तो तीन के ही इसके बनते हैं। फ्यूचर के कितने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट इसका नहीं बनता है। नीचे वाले का फ्यूचर परफेक्ट का नहीं बनता है और लास्ट वाला का तो वैसे भी किसी का नहीं बनता है। हमारे जो 12 टेंस हैं इसका नहीं बनता है, इसका नहीं बनता है और इसका नहीं बनता है। समझ रहे हो बात, मतलब जो प्रेजेंट प्रेजेंट का जो लास्ट है उसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसका नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी नहीं बनता है।
आपने क्या देखा, जो लास्ट वाले सेंटेंस है वो लास्ट वाले जो टेंस है उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, लेकिन फ्यूचर का एक दूसरा है, फ्यूचर का एक दूसरा है, कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका भी नहीं बनता। तो कितने टेंस हुए जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं बताओ? आठ में से चार के नहीं बनते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर का एक और नहीं बनता, कौन सा? फ्यूचर। बात समझ में आई? प्रेजेंट के तीन टेंस के बनते हैं, पास्ट के तीन टेंस के बनते हैं और फ्यूचर। चलो आगे देख लीजिए। तो सबसे पहले इन कर लीजिए, इसमें मैं अफर्मेटिव क्या आपको बनाना बताऊंगा, प्रेजेंट इंट्रोवर्टिव के इकट्ठे बनाना सिखाएंगे ना, पहले आज सबके बनाना सीख ले रहे हैं। देख लीजिए पांचवा देख लीजिए।
अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत डबल बना, अजीत डज नॉट हेल्प मी, एक और नजर पर। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वाला ऑब्जेक्ट है,
अगर आपको कहीं पे ही मिल जाए तो अगर इधर उधर करना पड़े तो आप क्या करोगे? ये बदलते कैसे हैं ऐसे, इसको इसमें और इसको इसमें। अगर जगह बदली तब जहां पे रखा है तो नहीं बदले जाएंगे, तुमने इधर से उधर किया तो बदला जाएगा। क्योंकि पैसे सेंटेंसों में शुरू सब्जेक्ट होता है, तुम्हें किसमें बदल, तुम्हें ऑब्जेक्ट शुरू में लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे सी आ गया तो सी को आप हर में बदलोगे, उसके बाद बी बी को आप अस में बदलोगे, उसके बाद दे दे को आप देर में बदलोगे, उसके बाद यू यू को आप यू में ही बदलोगे, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, एक बचा आई, आई का क्या करोगे? ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलना है। अब हम बनाने जा रहे हैं सब्जेक्ट। आईएनजी किसी में है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस है, तो आपको ऊपर वाला ही रूल्स लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाओगे आप किसकी? ऑब्जेक्ट की। किसकी बनाओगे? ऑब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस में कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? मचाता है, तो क्या मचाता है? तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। बताओ बात समझ में आई? तो आप सबसे पहले अंग्रेजी लगानी है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट लगा लिया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आपने लिख दिया आम वाई पहला सेंटेंस। अब क्या लगाओगे नेक्स्ट टेंस की? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, आप बताओ ये प्रेजेंट कौन सा टेंस बना रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है? कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। इज लगाओगे सिंगुलर के साथ, इज किसके साथ लगाओगे? आर किसके साथ लगाओगे? प्लूरल के साथ। और एम के साथ क्या लगाओगे? आ रही है समझ में? वेरी गुड। तो अब ये आर वाइज सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? अच्छा, आप कहोगे इज कहाँ से ले आए? हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसों में उसके आगे वाली हेल्पिंग वर्ब लगाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगाओ, है ना। पास्ट इंडेफिनिट की हो तो पास्ट कंटीन्यूअस की लगाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट की हो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की लगाओ। अच्छा, अगर तुम्हें तीसरा बनाना पड़े फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगाओ, या पास्ट पास्ट परफेक्ट की बनानी पड़े तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हो? कहने का मतलब अगर आपको पहला का टेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगानी है? दूसरी की। और तीसरे की अगर बनानी है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगानी है? चौथी। अब आप कहोगे दूसरी की क्या होती है? दूसरी की तो नहीं बनानी है, दूसरी की तो उसी में रखना है, क्योंकि वो दूसरे वाले में क्या आता है? आईएनजी। क्या आता है? तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है? वही हेल्पिंग वर्ब प्लस बी। अब वैसे पहला सेंटेंस हो तो दूसरे हेल्पिंग वर्ब और तीसरा हो तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बात समझ में आ गई? चलो, तो आप पता लग गया ये नॉइज कहां से आया? इज। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी। चलो, अब आप आगे बढ़िए। अब क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सब में लगाना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन? मेक सा है ना, ऐ तो हट जाएगा, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेक। क्या हो जाएगी? आगे क्या लगाओगे आप? वाई। वाई लगा दिया। अब सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है? अनुराग। तो अनुराग का अनुराग ही आ जाएगा, बन गया ये पैसिव वॉइस। अनुराग मेक से एक वॉइस। अब इसका जो पैसिव वॉइस जो बनाए हैं आप, इधर वाले सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस।
इधर वाले सेंटेंस आपने ये वाले किसमें बना रहे हो? पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस देखो, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, लाइक मीन पसंद करते हैं, स्वीट मीन्स मिठाइयां, बच्चे मिठाइयां पसंद करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगा? लाइक। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। तो ऑब्जेक्ट आता हुआ क्या? स्वीट्स। स्वीट मीन्स कोई मिठाई और स्वीट्स मीन्स मिठाइयां। तो आप बताओ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प ऊपर लगेगी। स्वीट्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। मिठाइयां है ना, तो आप आर लगाओ। क्या लगाओगे? आर लगाओ। आर 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 लगाओ। आगे बढ़िए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक क्या हो गया? लाइक। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट क्या है? कोई रूल्स ही नहीं है, कुछ कोई थ्योरी नहीं लिखवाई, कुछ नहीं लिखवाया, समझ रहे हो? फिर से देख लीजिए। अगला ऑब्जेक्ट कौन सा है? एनिमल। एनिमल होता सिंगुलर, एनिमल है तो क्या लगेगा? प्लूरल। अब प्लूरल के साथ जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एनिमल क्या लगाओगे? आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लव है, लव। लव की क्या हो जाएगी? अब उसके बाद क्या लगाओगे? अब सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया? वाइस। बताओ बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, अब समझिए थोड़ी सी बात। रेखा सब्जेक्ट हो गया, टैक्स मीन्स लेती है या पीती है, ये तो वर्ब हो गया। क्या पीती है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सब में ऑब्जेक्ट लास्ट में हो ये कंफर्म नहीं है। एवरी मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट है? एडवर्ब ऑफ टाइम है वो तो, है नहीं है, तो जहां रखा है वहीं लगा रहे। तो ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा इसमें? कॉफी। कॉफी सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? अच्छा, टैक्स की थर्ड फॉर्म कोई बता सकता है? टेकन। अब भाई सब्जेक्ट क्या हुआ? रेखा। अब ये जो बचा हुआ है जैसा लिखा था वैसा ही लिखा रहने दिया, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं ना? अब बताओ बात समझ में आई? अगला सेंटेंस ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसका देखो थोड़ा सिस्टम है ना, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव से घबराओ मत, क्योंकि मैंने रूल्स में नाम का कोई सिस्टम बताया नहीं है तुम्हें। जब नहीं बताया है तो चुपचाप जैसा लिखा है वैसा लिखा लेने दो। ऐसे पहले ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है? मी। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ। ये आपका हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट है, तो ये क्या हुआ? और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा? मी। ऑब्जेक्ट प्रूफ मी। मी का जब लाओ करते तो क्या हो जाएगा? अब हम शुरुआत में ऑब्जेक्ट ही तो बनाना है, शुरुआत में क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पे हमने बदल दिया क्या? अब इसमें अगले टेंस की हेल्प वर्ब लगाओ। ये तो डच है ना, लेकिन अगले टेंस की हेल्प वर्ब इशारा में वाई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाता, कोई छेड़छाड़ इसमें मत करना, जैसा लगाया वैसा ही लगा रहे। तो बात समझ में आई? अब बढ़ोगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पर हेल्प है ना, हेल्प, तो क्या हो जाएगा? हेल्प। उसके बाद वाई और क्या हो जाएगा? अजीब। जो सब्जेक्ट था वो तो लास्ट में लिखा जाएगा ना। आ रही है समझ में? अगला देखिए, इसमें क्या लगेगा? ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? मैंगोज। इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएगी, तो मैंगोज के बाद क्या लगेगा? आर। उसके बाद आप क्या लगाओगे? लाइक। क्या लगाओगे? नॉट भी तो है,
तो नॉट को जहां लगा रहना था लगा रहने दो, अब लाइक में, अब बाई, अब देखा क्या हो जाएगा। सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन हो, ऐसे उसको छोड़ने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको छोड़ने से कोई नुकसान, तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये वही संदेश है, क्या है कि हमें उसकी आदर कर, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम करें हमें, तो किसकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। किसकी हो रही है, सबकी, पूरी दुनिया। जो हम करके कहें तो वो पूरी दुनिया की होती है। हमें सम्मान करना चाहिए, अब या फिर खाली कह लो कि सम्मान करना चाहिए, है नहीं है। तो ये कई बात हो जाती है, इसीलिए ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कैसा है, तो नो वन एवरी वन नो बॉडी एनी बॉडी बी पीपल, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। देखो कौन कौन से, एवरी वन है, नो वन है, एनी वन है, पीपल है, और बी, ये इतने इतने होते हैं। एक और बचा सब वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन, पीपल और बी और संबंध, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, कोई मतलब नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बुराई नहीं है। अभी मैं बनाना सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले अंग्रेजी में बनाओगे किसकी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बताओ, जब यहाँ सब्जेक्ट ये लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो खुद लिख रहे हैं, तो क्या बनाओगे। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगा, और रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिस्पेक्ट, है ना। अब लगाए क्या बाई, और बी को किस में बदल दिया, बाई अस, तो ये लगा है तब भी सही है। और अगर ऐसे बनाया है ही इज रिस्पेक्टेड ना, अब अस अगर आपने नहीं लगाया, और ऑब्जेक्ट तो जो बाई जोड़ता है उसको ऑब्जेक्ट तो जोड़ने के लिए, तो फिर बाई बाई भी नहीं लगेगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। बताओ बात समझ में आई, ये चीजें समझने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होते हैं, एवरी वन, नो वन, एनी वन, समवन, समबॉडी या पीपल और बी, ये सब्जेक्ट हमारे कैसे होते हैं, अनइम्पोर्टेंट। अगर आप इनको नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस है किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको उतार लीजिए। Continuous.
अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया ना, उसमें तो आईएनजी लगती है, तो उसके पैसिव वॉइस तो नीचे वाले सूत्र से लगेंगे। बनाइए पहला सूत्र तो लिखे रहने दो, कोई बात नहीं, लिखे रहने दो, लिखे रहने कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लिखो सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, भावना भावना इज सिंगिंग अ साउंड, भावना इज सिंगिंग अ साउंड। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। अब तुम मैच से पहले दा लगा दिया तो ये समझना तुमने खेल के नाम से पहले लगा दिया तो वो कोई खेल का नाम थोड़ी ना है। मैच तो सभी होते हैं, मैच तो ये कॉमन नाउन है ना, मैच क्या है कॉमन नाउन है, वो कोई प्लेयर थोड़ी ना है। आगे श्वेता, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखा है क्वेश्चंस लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन लिखा है तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर बना देता। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा सेंटेंस, I am drawing a picture, drawing a picture. I am drawing the picture. They are not lucky. होता है तोड़ना द फ्लावर्स, बनाओ इस इनके बनाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसे का सुना बता। देखिए कौन वाले सूत्र से बनाओगे, आईएनजी वाले हो तो रूल्स नीचे वाला लगेगा ना, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगाओगे, ऑब्जेक्ट की है ना, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी ना, तो सिंगुलर है तो इज, लेकिन कभी कभी पता कैसा हो सकता है, पता लगा इधर तो आपका प्लूरल है, आप सब्जेक्ट उठा उठा कर लाए उधर से तो वो सिंगुलर प्लूरल बन गया या सिंगुलर बन गया, तब तो हेडिंग वर्ब बदलनी पड़ेगी ना, लेकिन रहेगी भाई एज। आगे आप क्या लगाओगे इसमें, कंटिन्यूअस वाले में बीइंग लगाना मत भूलना, बी। अब आईएनजी जो थी उसमें लगी हुई, आईएनजी जो इसमें लगी हुई थी वो तो इसमें आ गई बी में, अब बचा राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या लग जाओगे, रिटेन, और उसके बाद बाई, बाई लगा दोगे ना, और सब्जेक्ट क्या हो गया। अगला सुनते हैं, आ सॉन्ग इज बीइंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, और बाई भावना। आगे द मैच इज, देखो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, प्लूरल आप देखो ना, प्लूरल है ना स्टूडेंट्स। अब मैं लाया घर से उठा के द मैच, तब अब वो कैसा हो गया सिंगुलर, तो अब तो आर की जगह पे क्या रहना पड़ेगा, वॉच्ड, बी बी, हां बी वाला वॉच, वॉच बाय द स्टूडेंट्स,
The question is being answered by Shweta. The picture is, देखो I के साथ am अब तो picture के साथ is आएगा ना, तो drawn the picture drawn drawn होती है ना third form, ठीक है, being रहेगा, हाँ, being अच्छा ठीक, being drawn और why आई का क्या हो जाएगा? आई का क्या हो गया? The flowers. अच्छा आपकी प्लूरल है तो आर है और आर रहेगा भी, आर नॉट वी लगाओ और नॉट वी प्लग्ड, प्लग नहीं खोलना होता है ना, प्लग्ड भाई देखो तो सोलह दिया हमने, ये आपका प्रेजेंट ऐसे बनाए
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए सर टेंस, कोई बता सकता है आपने? जैसे देखो नूतन है, रिटेन दिस लेटर, नूतन है, रिटेन दिस लेटर, ही है passed the class, he has passed the class, Tendulkar has thrown the ball, Tendulkar has thrown the ball, they have cut all the telephone wires, telephone hote hain, all टेलीफोन वायर्स, टेलीफोन के सारे तार काट दिए, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, आया संबंध वाला, चाहे ऐसे कह दो किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो संबंध एक तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, ऐसे कह दो मेरी घड़ी चुर गई है ना, संबंध कहने की क्या जरूरत, तो पता ही नहीं है तो किसी ना किसी ने तो चुराई ही होगी। आगे लिखिए आई हैव टोल्ड आ लाइन, अच्छा सूत्र तो मैंने मिटा दिया लेकिन आपने तो लिखा होगा, मुझे बताओ ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में एक बड़ी अच्छी बात बताओ क्या सरलता होती है, आपको थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरी वाली लगाई ना, और ये है आपका कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैज और हैव, और पांचवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव, तो क्या और जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, भाई सूत्र सूत्र कौन सा लिखा था, ऑब्जेक्ट एंड की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस बार कौन सा है इसमें बताना था ना पहले वाले में, दिस लेटर, तो बना दो दिस लेटर, दिस लेटर हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगी लगाई है बिल्कुल कुछ नहीं करना है, वाई अब क्या हो गया, नूतन द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मींस कपड़े, ये तो बहुत हो गए, तो अब क्या लगाओगे, हैव बीन, थर्ड फॉर्म लगी लगाई है, ही मूव, अगला द वॉल हैज बीन, अब थ्रोन थर्ड फॉर्म तो लगी लगाई है, थ्रोन वाई किसके द्वारा फेंकी गई, तेंदुलकर के द्वारा है ना, तेंदुलकर के द्वारा, आगे ना ये बताओ इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कौन है, वायर्स काय के वायर, टेलीफोन,
टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम है, किसी आदमी ने काट दी, उन लोगों ने काट दी। हाँ, माई वॉच WATCH माई वॉच सिंगलर है तो हैज बीन स्टोलेन बाई समवन। लेकिन ये सेंटेंस अब कैसा है, गलत है, क्योंकि इसमें समवन नहीं लगाएंगे। जब समवन नहीं लगाएंगे तो बाई भी नहीं लगाएंगे, सेंटेंस इतना नहीं होगा। माई वॉच हैज बीन स्टोलेन, माई वॉच हैज बीन। बात समझ में आई? हाँ, पर इतना ही आपको करना है। आगे ये देखो, अलाई अलाई सिंगुलर है तो हैज बीन लगाओ। अच्छा, उसके बाद कोल्ड और बाई मी। एक रूल केवल नया है, वो ये है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, क्या हो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो आप उसको छोड़ो, बिल्कुल मत लिखो। सर इसमें कोई भी एग्जांपल इंटरोगेटिव का नहीं आया है? इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव के पे लिखवा, समझ रहे हो? हाँ, अभी अफर्मेटिव कर लेंगे क्योंकि उसके रूल्स थोड़े अलग हैं, उसका संकेत उसका सूत्र थोड़ा अलग बनेगा। एक के चक्कर में अलग करना पड़ा। हु वाला ही पेपर में आता है और वही लिखने पड़ता है। आगे लिख लीजिए, अब हम बनाने जा रहे हैं पास्ट में सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का दूसरा नाम बताओगे? पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट में बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है आपको, बड़े ध्यान समझना। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस अलग होते हैं, उसमें अगर अफर्मेटिव होगा तो बी टू लगता है, वर्ब की सेलेक्टिव फॉर्म, और अगर नेगेटिव होगा तो क्या लगता है, डिड नॉट, और वर्ब की। अगर नेगेटिव नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है उसकी पहले, लेकिन हमें क्या फर्स्ट हो सेकंड हो, हमें तो पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। चलो लिखो, इधर के सारे सेंटेंस छुटा देता हूँ। देखिए, He stole my book. उसने मेरी घड़ी चुराई। अजय spoke the truth. अजय सच बोला। The mad dog. पागल कुत्ते ने बिट मींस काट लिया, बिगियर मींस भिखारी को, पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया। दिनकर रोड मींस लिखी दिस पोएम, ये पोएम यानी ये कविता किसने लिखी, दिनकर जी ने। बिना किल्डा इसने कर राम हितम, राम किल्डा इसने, राम ने सांप मार दिया है ना। आगे द पुलिस डिड नॉट, डिड नॉट कैच द थीप, पुलिस ने चोर को नहीं, पुलिस चूर होता है, पुलिस
विज्ञान मेटा बिट अरे बिट है बिट बिट मींस काटना बिट मींस क्या हुआ काटना बिट मींस काट दिया विज्ञान मींस चलो बनाओ ऑब्जेक्ट कौन सा लगाओगे माय बुक है तुम्हें बताओ सुनो इसको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो काली आई थी मैं कहते हैं कि हरी कुमार में लगती है और समय कहते हैं कि हरी कुमार लगती है तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगाई तो पास्ट इंडेफिनिट में किसकी लगाओगे पास्ट का अरे पास्ट कंटीन्यूअस की लगाओगे नहीं लगाओगे और पास्ट क्या होती है वाज 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 कितने साल लगता है सुंदर और प्लस आई के साथ और पर किसके साथ लगता है तो माई बुक वाज थर्ड फॉर्म स्टोल की जगह पे क्या हो जाएगा स्टोल है बाय द ट्रूथ तीनों भाग में कैसी होती है बताया आपको वाई द मैटर पूरा सब्जेक्ट है बारे दिस पोएम बाद रोड की क्या हो जाएगी रिटेन वाई इनकर आगे द स्नेक क्या हो जाएगा द स्नेक डिप का नाम बाद किल्ड बाई राम द थीफ पी एच आई द थीफ पी एच आई थीफ मीन चोर डिड नॉट है तो क्या लगाओगे अब वाज नॉट थर्ड वन लगाओ काट सी ए यू जी एच टी सी ए यू जी एच टी काट बाई द पुलिस बना लीजिए क्या हुआ समझ में आ गया कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा जाना चाहती है अभी तो ये घंटा कोई बात नहीं बोल पूरे कराते हैं ना ये कौन सा पेज था सिंपल पास्ट है ना सर यहाँ पर बाइट की मीटर नहीं बाइट की मीटर नहीं होती सर ये जो बाइट होती है सेकंड फॉर्म बाइट की तो ये मीटर नहीं होगी सर नहीं बाइट की लीजिए
पास्ट कंटिन्यूअस। देखो ही वाज राइटिंग ए लेटर द फार्मर्स वर सो सो मीन्स बोना सोविंग द सीड्स सीड्स मीन्स बीज किसान बीज बो रहे थे किसान बीज बो रहे थे। आगे देख लीजिए द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स मैंने कहा कि वाटरिंग मीन्स होता है पानी देना द प्लांट्स मीन्स पौधों में वाटरिंग द प्लांट्स सी वाज नाम थोड़ा पढ़ा देता हूं इस बार सी वाज नाम राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज मेकिंग अ नॉइज द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। आगे संपन्न वाज रीडिंग द रामायण संपन्न वाज रीडिंग द रामायण। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो आई थी है लिखी हुई इसमें तो क्यों जब आई एन जी है तो बताओ इसी टेंस की है तुम लगाओगे या अगली टेंस की इसी की लगाओगे वही बात ना सुपर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो एक चीज बढ़ जाएगी क्या बढ़ जाएगा बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट हुआ आ लेटर हेल्पिंग वर्ब हुई क्या बार सिंगुलर वो भी लेकिन बीइंग बढ़ा दो और रिटेन लिख दोगे रिटेन और वाई अगला द सीड्स सीड्स मीन्स बीज अब तो वर्ब लगेगा सीड प्लूरल है ना तो अब तो क्या लगेगा वर्ब बीइंग सुनो सॉल्ट वाई द फार्मर्स आगे द प्लांट्स वर बीइंग वाटर बाई द गार्डनर। आगे अच्छा इसमें है चक्कर ये लेटर निकाल दो क्या निकाल दो आ लेटर बाकी जो जैसा जहां रखा है वैसा ही लिखा रहने देना क्या दिक्कत है क्यों देखिए आ लेटर
इज ना बार वाज नॉट रिटन रिटन तो लगाए नहीं being written by है ना her husband. अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पर पहले तो एक मिनट छोटे ये वाला रह गया ना ये वाला सी सी को बन दिया किसमें हर में अब बच कौन रह गया टू हर और लिख दो टू हर हस्बैंड जो बच जाए उसको तो छेड़ना ही नहीं जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेंगे अनवाइज वाज बीइंग मेड वाई द चिल्ड्रन है ना हाँ ये वाला सेंटेंस छठा वाला सेंटेंस इसमें थोड़ी सी दिक्कत है बताओ भाई क्या दिक्कत है छठे वाले में क्यों संबन वाज रीडिंग द रामायण अब संबन कैसा सब्जेक्ट है अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं है ना तो बनाओगे था रामायण वाज बी रीड वाई अब संबन आए थे बनता आता आदमी बनाता है तो संबन जब इम्पोर्टेंट है तो वाई भी नहीं लेगा क्यों भाई है ना कि रामायण पढ़ी गई वैसे किसी के द्वारा रामायण पढ़ी गई इसमें रामायण पढ़ी गई तो जो हमारा समझ में आ गया मैंने क्या बताया संबन निबन को वन दे ओ बी प्यू फिल ये कैसे होते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इनको हटा देना चाहिए जब पढ़ाओ बता दिया हाँ बेटा समझ में नहीं आया ये हो गया एक घंटा हो गया एक तीन हो गया अच्छा चलो दो ही बचे हैं क्या नाम वो अभी तीन बचे हैं बोलने बोलने के बता दिया चलिए नोट डाउन कर लीजिए एक जैसे सेंटेंस बन रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी दिक्कत तो जब होगी जब मिस इंजीनियर आएंगे आप डाल लीजिए पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कोई बता सकता है पास्ट परफेक्ट की हेल्प नंबर क्या होती है हैड क्या होती है हैड ही हैड रिटन अ लेटर ही हैड रिटन अ लेटर दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क दे had not done their homework. तीसरा sentence. The players had won the match. The players had won the match. The players had The children had eaten all the cakes. The children had eaten all the cakes. इसमें एक संकेत थोड़ा सा बढ़ाता हूँ. Before
वर्षा होने से पहले है ना मैंने सारा केक खा लिया था। वर्षा होने से पहले मैं सारा केक खा चुका था। आगे देखो, somebody had already, somebody had already means पहले से ही, warned him, मैंने उसे पहले से ही चेतावनी दे दी, मैंने उसे पहले से ही चेतावनी दे दी। ये सेंटेंस है उतार लीजिए। मैंने दूसरा का संकेत बिकॉज उसमें मिला दिया। द पार्टी बिगेन, पार्टी शुरू होने से पहले ये था। तो दूसरे वाले में कुछ आपको करना ही नहीं, वो आपको केवल एक डिस्टर्ब करने वाली बात है। जैसा है वो वैसा ही रहे। कैसे बना पास्ट में अपने पास बकेट में हैड टू पर बताओ कौन सी लगा हुए हैड बी हैं हैड बी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड टू पर लगाओगे यानी हैड है तो क्या हो जाएगी हैड बी हैड से क्या हो जाएगी हैड बी ठीक है। बाकी रूट तो आपका वही है ही है कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बड़े ध्यान समझिए ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें पहले वाले में ही कौन सा ऑब्जेक्ट है ही ऑब्जेक्ट है तो ही ऑब्जेक्ट से ये बन जाएगा आ लेटर अब क्या बन जाएगा आ लेटर हैड बीन उसके बाद इसमें एक अच्छी बात है थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना वाई और सब्जेक्ट ही को किसने बदल दिया हिंदी ये है आपका पहला दूसरा देख लीजिए हाँ दूसरे में बताओ पूरा ऑब्जेक्ट क्या लगे ऑल द केक डियर होम पर क्या लिखा जाएगा डियर होम पर पी एच ई आई आर डियर होम वर्क उनका होमवर्क है नॉट आगे क्या लग जाएगा दो वर्डों की है होमवर्क होगी तो बीच में क्या लगेगा नॉट लगेगा नॉट आगे लिखा क्या डन थर्ड फॉर्म और वाई देखा क्या हो जाएगा द मैं थर्ड वर्ड The match had been won the won by किसके द्वारा the players द्वारा खिलाड़ियों द्वारा अच्छा फोर्थ वाला बताओ भाई बनेगा आर द केक यही तो है ऑब्जेक्ट अच्छा ठीक है लिखिए आर द केक आर द केक Had been cakes है देखा had been eaten by the children इसका भी कुछ करना है before के बाद इसका कुछ नहीं करना है जैसा लिखा था वैसा ही लिखना है नंबर begin की आएगा second form है हाँ इसको बताओ जरा ही है ऑलरेडी क्या लगा हुए आगे क्या लगा हुए बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अब बाई समझ लगाने से अच्छा है क्योंकि वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है
ऐसा सब्जेक्ट है, संबंध अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसकी जरूरत ही नहीं है अब तो लगाने की। ऐसा है ऑलरेडी पहले से ही, ये तो एडवर्ब है, ऑलवेज नेवर ऑलरेडी, ये वही तो है, हैड बीन के बीच में आएगा। हाँ, हैड बीन के ही बीच में आएगा, बीच में ही आएगा ये वाला। करेगी
मिल गया सेल है तो आप उसमें क्या लगा दोगे? बिल भी और, क्योंकि बिल सेल टेंसों में भी आती है और मॉडल एक्सिलरी में भी आती है। एक मॉडल पर मॉडल पर भी होती है ये, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म लगती है और पैसिव पास में बी और जोड़ दिया जाता है। तो बनाओ, ये तो आईएनजी वाला है, आईएनजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्ट द लीडर आगे लगाओगे बिल बी है, डिलीवर्ड डिलीवर्ड है ना बाई द पोस्टमैन, ऐसे बनेगा। ऐसा देखो मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड। अरे पीपल आ गया, क्या आ गया? अब बताओ मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पीपल हो, विल हो, बी हो, अब ऐसे यूज किया जाए कि सार्वजनिक तौर पर क्या लिखा है, लोग मदर टेरेसा को याद करेंगे। ऐसे कह दो मदर टेरेसा को याद किया जाएगा, मदर टेरेसा को याद किया जाएगा। हो गए मी आई ओ, पहले बिल था, अब क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर सेल बी, आई सेल बी टी ए यू जी एच टी टॉट वाई, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको नहीं सुधार पाओ। चलो एक स्टूडेंट बनाएगा तो मान जाऊंगा, नो बडी विल कैच यू, तुम्हारे हिसाब से बना हुआ यू विल बी कार। अब नो बडी हटा दोगे है ना, अच्छा अब एक बात यह है बच्चों क्या ठीक बन गया, लेकिन नोबडी हटाने से नेगेटिव पन तो उसका खत्म हो जाएगा ना, और सेंटेंस है नेगेटिव है ना, तो इसलिए नोबडी हटाओ, लेकिन नॉट तो उसका आता रहे कम से कम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा अब सही है। अब आप नोबडी हटा सकते हो, नहीं वाला तो हमने लगा दिया। बात क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो तो उसमें जो नेगेटिव पन है वो तो लग जाए, तो अगर नोबडी आ जाए, नो वन आ जाए है ना, तो ऐसे सेंटेंसों को हटाने के लिए आपको किसका प्रयोग करेगा, प्रयोग करना पड़ेगा नॉट का। ये बना लीजिए, अरे क्या लिखा है, गीता है, ये गीता गीता विल बी रीड, बस हो गया इतना ही तो बनेगा। क्यों बनेगा इतना? क्योंकि संबंध छोड़ दिया जाए, संबंध छोड़ दिया जाएगा। नाम होता तो नहीं लगाते, किसी लड़की का नाम होता है ना। चलो अब लास्ट पढ़ लीजिए, कौन सा पढ़ोगे आप? फ्यूचर परफेक्ट, मुझे बताओ
फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ भाई, बताओ भाई फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल है। विल है क्या होती है? अब बदलो गए किसमें? फ्यूचर परफेक्ट यही तो आता है इसके बाद, ये फ्यूचर का तीसरा है चौथा, तो इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन और या फिर शैल हैव बीन। अगर तीन अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाए शैल हैव बीन तो नॉट कहाँ पे लगाए? यहाँ पे लगता है विल शैल के बाद लगाओ और हैव बीन इकट्ठा लगाओ। सेंटेंस लिख लीजिए दो, द पुलिस विल हैव कॉट द अरेस्ट, विल हैव मींस पकड़ चुकी होगी, थर्ड फॉर्म रहेगी ना, टेररिस्ट क्या है?
किलो तीन नहीं लगाओ किलो वाई जा केमिस्ट हमारा पैसिफाइज वाला तो वाई हमने जे लगा दिया ना अब बाकी अब फिर से लगाओ तो कौन सा वाई टाइम होगा ले लो पांच क्वेश्चन I had
संबंध बना के ले आना कल, ठीक है।